तो अपन को हेयर्स बनाने देखने हैं, तो क्या करते हैं, पूरे एकदम पेज पे भर के मत बनाना, दो पोर्शन में बनाना, ठीक है? तो यहाँ से पहले एक एस शेप सा लेके आओ, ऐसे हल्का सा कर्व एस शेप रहता ना, इस तरीके से, ये थोड़ा ऐसे मोटा रखना, बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं, ठीक है? और ये यहाँ पे ऊपर आएगा और ये यहाँ आके इस तरीके से, ठीक है? इसके नीचे इसी के जैसा एक और बनाना, ठीक है? थोड़ा नीचे, एकदम इससे चिपका के नहीं, ऐसे आया, यहाँ से कर्व होके नीचे की तरफ आया, अंदर की तरफ कर्व हुआ। ये दो कर्व है, एक ही लेफ्ट फेसिंग कर्व है, एक ही राइट फेसिंग कर्व है, ऊपर की तरफ गया है ये, ठीक है? ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और ये हल्का सा यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? इसे हल्के से बनाओ, बहुत डार्क नहीं बनाना, ठीक है? पहले इतना बना लो। तो इतना ड्रॉ करने के बाद क्या रहता है, बेसिक स्ट्रोक्स लगाना। अब हाइलाइट्स जो है ये तो पूरा डार्क रहता है, ठीक है? इसमें हल्के रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं सेंटर पोर्शन में। तो ये फ्लो आया हाथ का इस तरीके से, मैकेनिकल से ही बनाओ। अभी कैसे आएगा, ये हाथ के फ्लो में लाओ, यहाँ तक ला रहे, ठीक है? कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दिमाग में एक सर्किल बना दो, इस एरिया में जो है हाइलाइट्स इस एरिया में, ठीक है? इस तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दो एकदम खाली, नहीं, एक आध बाल हो सकता पूरा ऊपर चला जाए। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आ रहा है, कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है, कुछ छोटे यहीं पे नीचे की तरफ है, कुछ एकदम ऊपर कर्व और जा रहा है, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दूसरे के इलाके में जरूर पहुंच गए। इस तरीके से ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, तो यहां से निकला, हो सकता है ये सेकेंड पोर्शन में पहुंच जाए, हो सकता है यहीं पे छूट जाए, ठीक है? इस तरीके से, तो ये अपन ने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व में ले गए, राइट फेसिंग कर्व, मतलब ये वाला जो था ना, इसी के फ्लो में अपन ले। अब अपन ऊपर से फ्लो में नीचे लाएंगे, तो हो सकता है ये इसको ज्वाइन कर जाए, हो सकता है इसके बीच बगल से निकल जाए, इनका भी यही हाल हो सकता है कि ये पूरा नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक कर्व में बना दिए, कर्व का चेंज होता देख सकते हो तुम, ये लेफ्ट फेसिंग है, ये राइट फेसिंग है, इस तरीके। अब ऐसा नहीं कि ऊपर खाली छोड़ देना, ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा भरा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, दिमाग में सर्किल बनाओ कि इस पोर्शन में अपन को हाईलाइट चाहिए, ठीक है? इस तरीके से हल्के हल्के थोड़े बाल इधर 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 हल्के हल्के बना दो, ठीक है? तो ये एक बेस लेयर होती है, तो पहले इतना बनाओ, तो नीचे वाला पोर्शन भी सेम कर लो। एक बात ध्यान रखना, बीच में यहाँ पे छोड़ो, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ नहीं, दोनों से इक्वल डिस्टेंस में, यहाँ ऐसे कर रहे हो, बाहर की तरफ बाल भग रहे, अगर जैसे मान लो यहाँ से स्ट्रोक्स आए, यहाँ चले गए, नीचे चले गए, इधर भग गए, ये परेशानी नहीं, जाने दो, बाल ऐसे बिखरे हुए अच्छे लगते हैं, अपन जो स्केच बनाते सब में बाल ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। बस हाईलाइट्स जो है बहुत ज़्यादा भर मत देना, बहुत एकदम खाली भी नहीं छोड़ना, हो सकता है पूरा एक ऊपर चला जाए। करो सेम तरीके से, तो इतना मैंने कर लिया। अब ये वाला पोर्शन बचता है, तो ये क्या है, इसमें हाइलाइट्स नहीं आते बहुत, ये थोड़ा डार्क पोर्शन है। अब बालों के शेप के हिसाब से इसके ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है? इसके कैसे आएंगे, ये जो कर्व है, ध्यान से देखो, ये जो कर्व है इस तरीके के कर्व में आएंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है धीरे धीरे करो, ओके? बहुत एकदम डार्क मत करना, डेप्थ है इसका मतलब ये नहीं कि डार्क कर दो। अभी अपन एक बेस लेयर कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद एक और बनाएंगे सेम, उसमें डार्क करेंगे अपन, ठीक है? तो ये आराम से कर लो, ओके? तो इस तरीके से अपना हो गया, पहले इतना बना लो और इसके बाद इसके जैसा एक और बनाएंगे। ठीक है, तो एक और बना लिए, तो इतना बना लो, इसके बाद इसकी पहले हल्की सी ब्लेंडिंग देखते हैं और फिर अपन और डेप्थ देना चालू करेंगे। तो अब ब्लेंड करने के लिए ब्रश ले लो, तो जो सेंटर पार्ट है जहाँ हाईलाइट, वहाँ नहीं करना, तो ये वाला जो पोर्शन है
तरीके से धीरे धीरे थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, जिस तरीके से अपने स्ट्रोक्स लगाए थे उस तरीके से कर रही है ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है, ये हल्का सा ऐसे कर्व करते हुए, इससे क्या होता है स्मूथ हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं अपन को। इस तरीके से अपन ने पूरा बीच वाला पोर्शन नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मली ब्लेंड हो जाते हैं। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, 2B पेंसिल यूज कर रहे हैं अपन, ओके, तो 2B पेंसिल में अपन क्या करेंगे, HB अगर यहाँ तक स्ट्रोक्स आए तो 2B यहाँ, और इसके बाद अपन यूज करेंगे 6B तो 6B यहाँ, बहुत आगे तक नहीं करना क्योंकि अपन ने बीच वाला जो पोर्शन है वो HB से भर दिया अपन ने, तो अपना काम हो गया। तो 2B वाला पोर्शन देखो, जैसे ये है, ये मान लो ये इतना हिस्सा है और ये यहाँ जा रहा है 2B, तो HB अगर यहाँ था तो 2B उससे थोड़ा कम ही रहेगा। तो स्ट्रोक्स हैं एकाध एकाध दो की कोई परेशानी है कि एकाध ऊपर निकल गया, लेकिन मोस्टली स्ट्रोक्स पीछे ही रहेंगे अपन को, क्योंकि ये हाईलाइट आ रहा है ना, यहाँ पे हाईलाइट्स पोर्शन है तो ये ऊपर तक आ सकता है, यहाँ तक आया, ठीक है, एकाध एकाध ऊपर निकल गया पूरे, जैसे अपन ने अभी मैकेनिकल के साथ किया था ना कि एकाध कोई ऊपर की तरफ निकल गया बहुत, एकाध पीछे छूट गया इस तरीके से, ओके, तो देख सकते हो बीच में हाईलाइट्स आए। ऊपर वाले से भी सेम तरीके से होगा कि नीचे की तरफ ऐसे हाईलाइट्स आएंगे। अब स्ट्रोक लगाते समय एक चीज ध्यान रखना, पेंसिल ब्लंट हो जाती है, जैसे मेरी होगी तो मैं इसे शार्प कर लूंगा, पेंसिल शार्प है, अब देखो और अच्छे स्ट्रोक्स आने लगेंगे, तो अपन को अच्छे स्ट्रोक्स ही चाहिए बीच वाले पोर्शन में, बहुत ज्यादा नहीं भरो ऐसे, इस तरीके से एकाध एकाध नीचे की तरफ आ रहे हैं वही काफी है, मतलब ऊपर की तरफ ही उसे लिमिटेड रखा हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी एकदम से मत भरो, ये ज्यादातर जो हिस्सा है अपना हाईलाइट वाला अपन अभी नहीं भर रहे, लेकिन जो रेफरेंस लोग हैं उसमें किसी का पोर्ट्रेट बना रहे उसमें बाल पूरे ही काले हैं तो पूरे ही बनाना, उसमें हाईलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं, और हल्के हल्के हाईलाइट लग रहे हैं तो हल्के छोड़ो, बाद में उसे इरेजर से इरेज करके थोड़ा और ज्यादा अच्छा बना दो। तो ये कर लिया अपन ने, ठीक है, तो अब नीचे वाला भी कर लेते हैं, इसी तरीके से होगा, इसमें भी 2B यहाँ तक ही रहेगी, पूरा ऊपर भरने की जरूरत नहीं। तो ये वाला पोर्शन भी हो जाता है अपना, ठीक है, अब ये वाला करते हैं, इसको भी सेम तरीके से करना है, ठीक है, इसमें बीच बीच में हल्के हल्के छोड़ देना, जैसे मान लो इतना है तो इतने पोर्शन में थोड़ा सा एक छोड़ दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना, जैसे यहाँ यहाँ पे ढेर सारे छोड़ रहे, यहाँ पे हल्के हल्के छोड़ सकते हो, जैसे ये चल रहा है इसके बीच में एक हल्का सा छोड़ दिया, ये आ रहा है इसके बीच में छोड़ दिया, थोड़े इस तरीके से, जैसे ये आया इसके बीच में एक हल्का, ये दिख रहा है छोड़े छोड़े छोड़ रहा हूँ मैं, तो ये जो है इस तरीके से छोड़ सकते हो, जो वो भी बीच में एकदम एंड वाले जो पोर्शन आ रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है, तो यहाँ पे 2B वाला खेल अपना खत्म हो जाता है। अब क्या इसे भी सेम तरीके से ब्लेंड कर लो, तो इसे नीचे से करा और इसे यहाँ कर्व में कर लो इसे पूरा ब्लेंड, बना लो। तो अब देखो जरा, अब अपन को क्या चाहिए, 6B पेंसिल, तो HB यहाँ, 2B यहाँ, 6B यहीं तक रहेगा सिर्फ, कोई ऐसे 6B से ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला एकाध दो चलता है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे आ गया नीचे से ऊपर, लेकिन ऐसे भरना नहीं है अपन को, तो इसे पकड़ो पेंसिल शार्प रखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये है एकाध एकाध, ये एकाध ऊपर चला गया मेरा, ठीक है, फिर ये मैं नॉर्मली यहाँ पे रख रहा हूँ सारे, फिर जैसे एक ऊपर की तरफ जा रहा तो एक ऊपर चला गया ये डार्क सर, सारे नहीं जाने, थोड़े थोड़े जैसे गिनती के कर लो कि 1 2 3 4 5 6 एक आध ऊपर बीच में से उनमें से निकल गया, तो इस तरीके से अलग अलग देख लो, जहाँ पे हाइलाइट्स ज्यादा दिख रहे हैं ना उन पे मत लाना, जैसे उनके आउटलाइन कर सकते हो ताकि वो और उभर के दिखे, देख सकते हो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं ले गए, बीच वाला पार्ट उभर के आएगा, जितने ज्यादा देखो डेप्थ नहीं होती है तो हाइलाइट्स में ज्यादा उभर के आते हैं, अगर यही अगर मैं 10B से कर दूं तो और उभर के आएंगे, लेकिन अभी अपन 6B देख रहे हैं सिर्फ, इसके बाद ट्राई कर सकते हो कि अपन ने जो 2B करा था उसकी जगह 4B यूज कर लो, अभी अपन 6B कर रहे हैं, 6B की जगह 8B यूज कर सकते हो, 10B यूज कर सकते हो,
तो डार्कर शेड, अभी क्या है, अभी अपन डार्कर शेड एकदम गड़बड़ा जाता, अगर फैल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अभी अपन से 6B तक ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद अगर ट्राई करना हो, होमवर्क समझ लो कि 10B से बनाने हैं, तो फर्स्ट लेयर अपनी मैकेनिकल हो गई, सेकेंड लेयर अपनी 4B हो गई, थर्ड लेयर 8B या 10B में से कोई भी चूज कर लो। इसमें ऊपर तक रखा और ये नीचे की तरफ एका तेका तो ऐसे स्ट्रोक्स आ गए, ठीक है, तो इतने ही रखना, बीच बीच में भरने की जरूरत नहीं। तो इतना हो गया अपना, तो अपन नीचे वाला पार्ट भी जो है वो भी सेम तरीके से कर देंगे। इसमें भी कुछ ऐसी लंबे लंबे से जो स्ट्रोक थे, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इनके ऊपर नहीं लाएंगे अपन अपनी 6B, ठीक है, इनके बगल से निकल जाएगी, जैसे ये आ रहा था यहाँ पे नीचे तक इन रखो लिमिटेड, लेकिन एका तेका जो ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, थोड़े छोटे कुछ एका बीच में रहा, फिर ये आ गया ऊपर, बहुत ज्यादा से भरने नहीं है अपन को। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो इधर जाओ, अभी यहाँ पे जो बीच वाले जो तो अपन ने एक एक दो छोड़े थे वो ठीक है, नहीं भी छूटे उसे अपन इरेजर से दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। यहाँ पे जो साइड वाले पोर्शन थे, ये जो है पेंसिल शार्प रखना, ये डार्क आए बीच में, थोड़े बीच में एक आध तो हाईलाइट के लिए जगह छोड़ दो ऐसे, ओके, और फिर यहाँ पे वापस एंड में है, यहाँ पे भी डार्क हो जाएंगे और पास पास हो जाएंगे कलर वापस। और जो कर्व के बेस पे जो थोड़ी जगह छूटती है उसके ऊपर ऐसे कर्व बना देना ये वाले, ताकि वो भरा हुआ सा लगे सेम ऊपर के लिए, ओके। तो इस तरीके से अपना शेड हो जाता है। तो अब इसे ब्लेंड भी उसी तरीके से करना, तो ब्लेंडिंग में एक बार ध्यान रखना ऊपर तक ब्रश ना आ जाए, क्योंकि अपन का क्या है 6B है, बहुत डार्क पेंसिल है और ये HB को पूरी तरीके से भर देगी, तो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ जहाँ पर 6B किया है, तो उतने में ही ब्रश चलाना, बहुत ऊपर ऊपर लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस तरीके से अपन ने वो कर दिए ब्लेंड। तो यहाँ पे अब मैंने ये बोला था हाइलाइट्स बनाने हैं, हाइलाइट्स के लिए या तो ये यूज करो अपनी, या फिर ये मोनो जीरो इरेजर यूज कर सकते हो। तो अभी ये यूज करके बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो इससे क्या है, ऐसे हल्के हल्के इसमें भी कर्व बना देते, मोनो जीरो इरेजर यूज करना है तो इसमें भी ऐसे रखो, बहुत आगे नहीं निकालते, हल्के हल्के इस तरीके से एक दो का, बहुत ज्यादा नहीं भरने। इसमें भी अगर पूरे भर गए हो तो एक आध तो इस तरीके से कर्व हाईलाइट दे सकते हो, सेम यहाँ पे भी एक आध तो ऐसे कर्व हाईलाइट दे सकते हो। इस तरीके से अपना पूरी जो हेयर्स है, इस तरीके से अपन हेयर्स बनाते हैं। तो ये फीमेल हेयर्स का एक स्टैंड हो गया, हेयर स्टैंड हो गया एक, ठीक है। मेल में भी इस तरीके के रहते हैं, मेल में छोटे रहेंगे इसका पार्ट, लेकिन बेसिक आइडिया जो रहता है वो यही रहता है, ठीक है।